मेरा उन्वान है उर्दू नावल का बदलता हुआ मंजर। उस उन्वान पर मैं अपने ख्याल का इजहार करने जा रहा हूँ। अदब का रिश्ता समाज से गहरा होता है। समाज और माशरे में रूना होने वाले वाकयात व कैफियात की अक्कासी अदब में होती है। समाज में जिस तरह की तब्दीलियाँ होती रहती हैं, उसी तरह अदब में भी तब्दीलियाँ पैदा होना लाजिमी अम्र है। कोई भी ज़माना हो, मसाइल से दो चार होता है, चाहे वो माशी हो या इक्तिसादी, मजहबी हो या सकाफती, समाजी हो या सियासी, रोमानी हो या जज्बाती, यानी मसाइल वही होते हैं मगर ज़माने की तब्दीली के साथ अपना रूप बदलते हैं और अदब में उनकी जलवागरी होती है। लिहाजा ये तब्दीलियाँ फ़नकारों को नए नए तजुर्बात करने पर आमदा करती हैं। इसीलिए अदब की हर सिंफ में वही मसाइल एक नए रंगो रूप में समाए जाते हैं। इब्तदा से ही जहाँ दीगर असनाफ अदब में तब्दीलियाँ रुनुमा होती हैं, वहीं उर्दू नावल भी फ़र्द और समाज की तेज़ रफ्तार तरक्कियों और तब्दीलियों के साथ बदलता और समरता रहा है। नावल के रुझानात और रवैयों पर नज़र डालें तो कहा जा सकता है कि पहला अहम रुझान क्लासिकी रुझान है, जिस पर एक तरफ रोमानी अदब और दूसरी जानब मगरबी नावल निगारी का असर था। इसकी नुमाइंदगी डिप्टी नज़ीर अहमद, रतना सरशार, अब्दुल हलीम शरर और मिर्ज़ा रुसवा कर रहे थे, जिसमें रुमानियत के पहलू ज़्यादातर समाने लगे क्योंकि अवाम का मिजाज इस तरह का बन चुका था। इसके अलावा शरर के ज़रिए तारीखी मामलात व मौजूद भी इस दौर में समाए जाने लगे थे। यह दौर वो था जिसमें मगरबी अदब चुपके से उर्दू में दाखिल होने लगा। जहाँ दीगर असनाफ में हैरत अंगीज़ तब्दीलियाँ आईं, वहीं नावल की सिंफ भी मुतासिर हुई और जदीद नावल निगारी की दाग बेल पड़ी, जिसमें एक तरफ नए नए मौजूआत से शनासाई हुई, दूसरी तरफ नावल निगारी की टेक्निक और अज्जा से वाकफियत हुई। इसके बाद जो दूसरा रुझान शुरू हुआ वो समाजी हकीकत निगारी का था, जिसमें नावल निगारों की नज़रें रुमानियत से हटकर हकीकी ज़िंदगी की तरफ पढ़ने लगीं। इन्हीं हकीकी ज़िंदगी यानी समाज व माशरे में पैदा शुदा नए नए मसाइल का एहसास होने लगा। इन्हीं इस बात का एहसास हुआ कि सिर्फ खलाई बातों को उजागर करना अदब का मकसद नहीं है, बल्कि अदब को समाज से जोड़ना है। अवाम के जज्बात व एहसासात, तजुर्बात व ख्यालात और मसाइल को अदब में शामिल करना है, क्योंकि अदब ही वो वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए इस्लाही, अखलाकी और तामीरी काम लिया जा सकता है। लिहाजा इसकी तामीर व तरक्की में प्रेमचंद ने नुमाया हिस्सा लिया। प्रेमचंद ने उर्दू नावल निगारी के दामन को मुख्तलिफ मौजूआत पर कदम उठाकर वसी किया और इसको एक नया जहन दिया। इसके अलावा दूसरों के लिए न सिर्फ मिसाल बने बल्कि नावल निगारी के लिए राहें हमवार की, जिसके नतीजे में उपेंद्रनाथ तश्क, सुहेल अजीम आबादी, अली अब्बास हुसैनी और दूसरे अदीबों ने भी माशरती हकीकतों को प्रेमचंद के अंदाज में पेश किया। इस दौर में भी के हकीकी पहलुओं यानी ज़िंदगी के हकीकी मसाइल को नावल में पेश करने का सिलसिला ज़ोर शोर के साथ चल रहा था, उसके मुतवाजी यानी साथ साथ रोमानी नावल का उसलूब भी परवरिश पा रहा था। सज्जाद हैदर एलद्रम, नयाज़ फतेहपुरी, मजनू गोरखपुरी और खाजी अब्दुल गफ्फार को इस बागियाना रुझान का नुमाइंदा कहा जा सकता है। इसके बाद हम जब तरक्की पसंद तहरीक की तरफ आते हैं तो इसके तहत जिस रुझान और तख्लीक रवैये की आबियारी हो रही थी, इसे इस तरह की हकीकत निगारी और इनकलाबी रोमानियत का मिला जुला रुझान कहा जा सकता है। ये तहरीक अपने नज़रियाती मिजाज के एतबार से इनकलाबी थी, लेकिन इसके लिखने वाले कृष्ण चंद्र, इस्मत चुगताई, ख्वाजा अहमद अब्बास, खुदेजा मस्तूर वगैरह रोमानी ख्यालात से भी मुतासिर थे, इसलिए उनके यहाँ इम्तजाजी मेलान नुमाया नज़र आ रहा था। तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू नावल को बाज़ नए रुझानात से आशना किया। इस तहरीक से वाबस्ता बहुत से नावल निगारों ने अपने नावलों में ज़माने के पेश नज़र नए नए तजुर्बात किए। हयात इंसानी का मुशाहिदा, हकायक़ का इरफान और जीते जागते किरदारों की तख्लीक का ताल्लुक, जिनके ज़रिए हम ज़िंदगी के मुजाहिर का ज़्यादा से ज़्यादा इहाता कर सकें। सज्जाद ज़हीर का नावल लंदन की एक रात इस सिलसिले का पहला नक्श है।
तकसीम के बाद फसादात के मौजों पर रामानंद सागर का नावल और इंसान मर गया कुछ दिनों तक तरक्की पसंद अदीबों में बहस का मौजू रहा। इस नावल में 1947 के बाद होने वाले फिरका वाराना फसाद और उसमें इंसानों की दरिंदगी और बहिमियत की कामयाब अक्कासी है। तकसीम के बाद जो नावल शाये हुए उसमें हंसराज रहबर का नावल परेड ग्राउंड खास अहमियत रखता है। नावल में कई तरह के तजुर्बे भी किए गए इसलिए एक रुझान को तजुर्बाती नावल का रुझान भी कह सकते हैं, जिसका आगाज सज्जाद जहीर के नावल लंदन की एक रात में से हो चुका था, जिसमें शऊर की रौ और तलाजम ख्याल की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। बाद में खुरतुल्लाह हैदर, अजीज अहमद, अनवर सज्जाद, जमीला हाशिमी और साजिदा जैदी ने अपने नावलों में कई तरह के तजुर्बे किए। तारीखी नावल निगारी का रुझान तो शरर के दौर से उर्दू में रहा है, लेकिन पिछले दौर में खाजी अब्दुल सत्तार, अजीज अहमद, मुस्तनसर हुसैन तारक और जमीला हाशिमी ने संजीदगी से कई अहम तारीखी नावल उर्दू फिक्शन को दिए। यहाँ एक बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि वो ये कि जब अवाम का ज़हनी रुझान जासूसी दुनिया की तरफ मायल हुआ तो इब्ने सफ़ी ने जासूसी नावलों का एक अंबार लगा दिया। इब्ने सफ़ी के नावल लोग नहायत दिलचस्पी से पढ़ा करते थे, आज भी उसके नावल मशहूर माने जाते हैं। जदीदियत के ज़रिए असर भी मुमताज़ मुफ्ती, इंतज़ार हुसैन, गज़नफ़र हुसैन उलहक, अब्दुल्ला हुसैन, अनीस नागी और दूसरे अदीबों ने नावल लिखे। उन नावलों पर एक नज़र डालने से ये अंदाज़ा होता है कि नफ्स मौज़ों के साथ उर्दू नावल में फ़नी और जमालियाती तकमील का एहसास भी नए खालिब इख्तियार करता रहा है। इसी एहसास के साथ उर्दू में नावल निगारी का सफ़र बड़े एतमाद और विखार के साथ जारी है। गुज़िश्ता दहाइयों में जो नावल मंजर आम पर आए और जो नावल निगार हजरात व ख़वातीन हमारे दरमियान मौजूद हैं उसके पेश नज़र बड़े उसूस से ये कहा जा सकता है कि उर्दू नावल निगारी की मौजूदा सूरत हाल काफ़ी हौसला अफजा है और तवक्को की जा सकती है कि आने वाले दिनों में भी अच्छे नावल लिखे जाते रहेंगे। अहद हाजिर में गज़नफ़र, पैगाम आफिकी, जोगेंद्र पाल, अनवर सज्जाद, अब्दुल्ला हुसैन, इंतज़ार हुसैन, जमीला हाशिमी, साजिदा जैदी, कुरतुल्लाह हैदर, जिलानी बानो के नाम काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। इनके अलावा भी बेशुमार ऐसे फनकार हैं जो नावल के खजीने में इजाफे का सबब बने हैं और बास का कलम हुनोज चल रहा है। अब्दुल समद ने अपना मशहूर नावल दो गज़ ज़मीं रास्त बयानिया तर्ज पर लिखा है। उनका एक नावल महात्मा ने भी शोहरत हासिल की है। बानो कुदसिया के नावल राजगीत में एक ही कहानी को इंसान और जानवर के नुक्ते नज़र से बड़े फनकाराना तरीके से पेश किया गया है। इलियास अहमद गद्दी का फैर एरिया इस अहद का एक अहम नावल है जिसमें मेहनत कश तबके की नुमाइंदगी की गई है। इकबाल मजीद का नावल नमक फनी एतबार से काफ़ी बुलंद मुकाम रखता है, जिसमें बदलती हुई तहजीबी खतरों को मौजू बनाया गया है। उर्दू अफसाने की तरह नावलों में भी जदीदियत के रुझान ने अलामती व इस्तराती उसलूब इजहार को रिवाज दिया। एक और अहम पेशरफ ये हुई कि तारीख, फलसफा, इमरानी नजरियात, तसव्वुफ, वेदांत, जातक कथाएँ, दास्तान, देवमलाई तसव्वुरात, खदीम फलसफे जमालियात, असातीर और हिंदुस्तान का खदीम तसव्वुफ जिन्स वगैरह भी उर्दू नावलों के मौजू बने। जाहिर बात है कि इन तजुबात ने नावल के तकलीफी फ़क़ को वसी करने में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन असर हाजिर के समाजी मसाइल की अक्कासी नावलों में कम होती जा रही है। इधर चंद बरसों से सूरत हाल तब्दील हुई है। अफसाने की तरह नावल में भी बयानिया की वापसी ने असरी मसाइल की अक्कासी की राह हमवार की है। खुसूसन बाबरी मस्जिद के इंतजाम, फिरखा वारियत, बांग्लादेश में बिहारी मुसलमानों का मसला, हिंदू मुस्लिम फसादात और दूसरे समाजी मसाइल पर नावल लिखे जा रहे हैं। मुशर्रफ आलम जोखी ने नीलाम घर और बयान लिखा, फहीम आजमी ने जन्म कुंडली, अनवर खान ने फूल जैसे लोग, इशरत जफर ने
आखिरी दरवेश शफक ने, कांच के बाजीगर मजहरुल जमान ने, आखिरी दास्तान हुसैन उल हक ने, बोलो मत चुप रखो और फराद और शुमैल अहमद ने नदी लिखा। ये नावल असली मसाइल की अक्कासी करते हैं और उनमें न सिर्फ ये मौजूआत का तनाव नजर आता है बल्कि ये तकनीक के नुक्ते नज़र से भी गुनागुन तजुर्बात के हामिल हैं। मसलन हुसैन का नावल फरार फ्लैशबैक टेक्निक की अच्छी मिसाल है। शमसुर्रहमान फारूकी का नावल कई चांद थे सरे आसमान मौजू के एतबार से कुरतुल हैदर के नावल आग का दरिया की याद ताज़ा करता है। सादिक खान नवाब शहर का बोल बताशा एक नई तकनीक के साथ मौजूदा दौर के समाजी मसाइल की अक्कासी करने वाला एक अहम नावल है। अभी चंद दिन पेशतर सैयद अशरफ का आखिरी सवारियां मंजर आम पर आया जो इस्लाही नुक्ते नज़र से काफ़ी मकबूल हो रहा है। नावल के मैदान में अगर हम कर्नाटक में नावल निगारी के मंजरनामे पर एक इचटती नज़र डालें तो ये वाज़े हो जाता है कि हर दौर में हमारी रियासत में ऐसे काबिल नावल निगार दिखाई गई है जो ज़माने के तकाज़ों के तहत मौजूआत और मसाइल के साथ मसाइल का साथ देते हुए नजर आते हैं, जिनमें महमूद खान महमूद बेंगलुरु का तारीख नावल हैदर अली और हबीब अहमद सिद्दीकी का नावल दिल का दाग, मैमुना तस्नीम का रोमानी नावल सोज़ नातमाम, अब्दुल कादर सौदागर का जासूस नावल खानून का दायरा, इस्मत उजार का उलझन, खलील फतेह का रोशनी की एक किरण और मसीहा के नित नए रूप, हुस्ना सरवर का सीमा, ताजुन्निसा ताज का बोलती वीरानियां, खालिद अंजुम का खतरनाक मंसूबा, सैयद अबू तुराब खताई जामिन साहब का मास्टर, फरीदा रहमतुल्ला का किस्मत के खरीदार, मुल्ला अब्दुल गनी का नक्शी कटोरा, नईम इकबाल का हज अकबर, फरहत कमाल का शीशे के पांव, अनिल ठक्कर के दो नावल होश की झील और ख्वाबों की बैसाखियाँ और मंजर कुदसी के खुदूसी के दो नावल रामू और जुलेखा वगैरह। ये नावल ही जो उर्दू नावल निगारी के बदलते हुए मंजरनामे पर उभरते ही जो मुख्तलिफ मौजूआत पर मुश्तमिल समाजी माशरती तबकाती कश्मकश की अक्कासी पेश करते हैं। दौर हाजिर में जो नावल आलमी मंजरनामे पर उभर रहे हैं उनमें बास अच्छे नावल हैं, लेकिन इन नावलों के मुताले से ये बात आयाम हो जाती है कि हाल के उर्दू नावल बयानी की तरफ लौट आए ही जो भी बात की जाती है वो खारी के अक्ल फहम से बैद नहीं होती, इसमें अलामती तजरीदी और इस तरह की अंदाज नहीं होता। लेकिन एक बात जो बुरी तरह खटकती है वो ये कि इनमें किरदार निगारी का पहलू पहले के नावलों के बनिस्बत कम हो गया है। इसका सबब यह है कि यह नावल सूरत हाल की अक्कासी तो करते ही लेकिन फ़र्द के हवाले से ना करके इज्तमाही सूरत हाल को मौजू बनाते हैं। यही वजह है कि इन नावलों में उमरा व जान, होरी, रानू जैसे किरदार नहीं मिलते। आज हमारे सामने कई मसाइल हैं, बाज़ मसाइल रूप बदल कर हमारे सामने मौजूद हैं तो बाज़ नए हैं। आज भी किसानों का हाल प्रेमचंद के ज़माने से अबतर है। समाजी और तबकाती कश्मकश ने फिरका वारियत का रूप इख्तियार कर लिया है। बेरोजगारी का नाग तालीम याफ्ता नौजवानों को डस रहा है। तालीम याफ्ता तबका बेगारवी की तरफ आमदा हो चुका है। औरतों की इस्मतों के तहफ़ का मसला मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया ने एक जाल बिछा रखा है जिससे नौजवान नस्ल में अखलाक के कदरों की पामाली हो रही है। अक्सरियत तबका हर मुमकिन तरीके से अक्लियत को कुचलने की नित नए तदाबीर में लगा हुआ है। इबादत गाहों का तहफ़ मुश्किल हो गया है। इसके अलावा तशद्दुद एक आलमी मसला बन चुका है जिसका हल दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। साइंस और टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक कॉलोनी में बदल दिया है। नावल निगारी के फनकारों के सामने इस तरह के अनगिनत मौजूआत मौजूद हैं। आज भी हमारे किसान होरी से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ तक के खरस से तंग आकर खुदकुशी करने पर आमदा है। मिल मालिकों और मजदूरों की जगह मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिकों और मुलाजमीन के मसले ने ले ली है।
क्योंकि तालीम याफ्ता नौजवान रात दिन मेहनत करके मालिकों की तिजोरियाँ भर रहे हैं। रिश्वतखोरी का तांडव हर तरफ हो रहा है, इस पर किसी की गिरफ्त नहीं है। हुक्मरानों की नई नई चालों और हरकतों से अवाम तंग आ चुकी है, फिर भी उन्हीं का तोती बोल रहा है। संजीदगी के साथ इन मौजूदात पर कलम उठाया जाए तो हमारे समाज में रुनुमा होने वाले मसाइल का तदारुक नावल निगारी के जरिए हो सकता है, लेकिन नावल निगारों के सामने जो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो खारी का है, क्योंकि इस दौर में नावल के मुताले से खारी कतराता है। आज दौर माजी की तरह नावल का शौक नहीं रहा। आज हर आदमी मसरूफी नहीं बल्कि परेशान हाल भी है, और जहनी तस्कीन की खातिर नावलों के बजाय नए टूल्स का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है। इसके बावजूद जो हमारे बाद संजीदा नावल निगार इस फन में महारत दिखा रहे हैं, जो काबिले मुबारकबाद हैं। शुक्रिया। आपके सामने डॉक्टर सैयद आसमी पटेल जदीदियत से मौजूदा दौर पर एक तवील सफर तय किया है। तरक्की पसंद शायरी में इज्तिमाईयत और खारिजियत को अपनी दी गई थी, तो जदीद शायरी में इंफरादियत और दाखिलियत पर जोर दिया गया। माबा जदीद शायरी में एक मतवाफिर खारिजियत को अहमियत हासिल हो गई। गजल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसने हर दौर के खाजों का साथ दिया और उसके मसाइल को अपने नामों में जड़ी की। माबा जदीद अस्सी के आसपास लिखी जाने वाली गजल को माबा जदीद गजल या जदीद का गजल का नाम दिया गया। ये गजल दाखिलियत के बजाय खारिजियत को पेश करती है। माबा जदीद गजल और उससे ताल्लुक रखने वाले शुरा पर इजहार ख्याल रखते हुए अबुल कलाम हासमी लिखते हैं कि अस्सी के आसपास एक नया रुझान सामने आया जिसको माबा जदीद या जदीद तर का नाम दिया गया। एक ऐसा रुझान था जिसके सबब गजल की दुनिया में खुशगवार तब्दीलियों का एक नुमाया बात रोशन हुआ। जदीद अब तक जिस शख्सी और इंफरादी जज्बे को उर्दू गजल में पेश ला रही थी, अब इज्तिमाई मिजाज से हम माहूम करके पेश करने का रुझान सामने आया। इस रुझान से मुंसलिक शायरों ने जमीन से अपना रिश्ता उस्तवार किया। इन शायरों के कहने का रंग और ढंग अपने पेशों से मुख्तलिफ है। वो अपनी बात को सीधे साधे रखने अदा करते हैं और जो कहते हैं किसी से मुस्कार नहीं लेते बल्कि उनकी अपनी बात होती है। बाबा जी गजल के सामने एक तरफ उर्दू की नस्बत रिवायती थी तो दूसरी तरफ तरजीह पसंदी और जदीदियत के जवाल का मंजरनामा था, इसलिए इसने असली जिंदगी को नए अफकार की रोशनी में आजादाना तौर पर पेश किया। ये गजल सियासी सामाजिक माशी फलसफियाना मजहबी गर्ज हर मौजू का इहाता करती है, मगर किसी नजरिए या इज़्म की पाबंद नहीं। बकौल आलम खुर्शी मौजूदा हर के फनकार तमाम नजरिया की बंदिशों को तोड़कर खुली फजा में सांस ले रहे हैं। वली को उसी के बाद आलमी और कौमी सतह पर बेशुमार मसाइल पैदा हुए। जहाँ तालीम सतह की बात है, इराक अफगानिस्तान और दीगर खलीजी ममालिक में मगरबी अफवाम के हाथों तबाही और बर्बादी का सिलसिला जारी है। हथियारों की खरीदारी में इजाफा होता जा रहा है, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। कौमी सतह पर आज़ादी के 65 बरस बाद भी आज फसादात की आग बहन लेकर बढ़ती रहती है। इन फसादात ने जानो माल का नुकसान को पहुँचाया ही है, साथ ही हमारी इंफरादी और इज्तमाही जिंदगी को भी पीछे कर रख दिया है। मजहब के नाम पर नफरतों के बीज बोए गए हैं। खौफ और ह्रास का साया हमारी जिंदगी पर छाया है, जिसका इजहार माबा जदीद गजल में किस तरह हुआ है। दुनिया भर के शहरों का कल्चर एक साथ
आबादी तन्हाई बनती जाती है, खूब डाली है रुस्तियां किसने, वो अगर अमन का पैगंबर था प्रभात। खत के खुरेज मंजर शहर की पहचान है, शहर की दीवार पर लिखा कोई पढ़ता नहीं अजीज परिहार। किताब है कि मोहब्बत की घर से लिखा था, सियासतों का सबक कैसे पढ़ लिया उसने। क्या तेरे शहर में शराब न थे, जिंदा इंसान क्यों जलाए गए। इकबाल अशर। खत लोगों का एक तसलसल तो तहरता ही नहीं, खत लोगों का एक तसलसल तो तहरता ही नहीं, ऐसी रंगीन हालात से खौफ आता है तारीख मदीन। शिकम की आग से बढ़कर कोई बवाल क्या है, शिकम की आग से बढ़कर कोई बवाल क्या है, हमें खबर ही नहीं कि जिया मिसाल क्या है। आलम खुशी। बाबा जली कदर ने सरकी शहरी जिंदगी में तहजीबी और किरदारी जवान और मुखालिफती मसलहत का इज्तिमाई इजहार मुलाहिजा हो। खानदानी की बवाली की तरह लगता है, आज ही शहर में गाली की तरह लगता है, भूख में इश्क की तहजीब भी मर जाती है, भूख में इश्क की तहजीब भी मर जाती है, चार आकाश के थाली की तरह लगता है। शकील आजमी। अपने अजदाद की अजमत का हवाला छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी कोई पहचान है या तारीख मदीन। बाबा जली कदर में बाबत वजन के मुकाबले में मकामियत का इजहार ज्यादा हुआ है और असली मसाइल में तारीखी और अस्तूरी इशारे भी मिलते हैं जो इसे उसरे अदवार की गजल से मुमताज मुमैस करते हैं। चलशे मुलाहिजा हूँ, भागमती की याद आई है, खुली कुतुब के गुंबद में अपना नाम भी लिखा देखा, जब तेरी तहरीर के पास रोक है। जब से तूने इस पानी से अपना नाता तोड़ लिया, मैं बंजारा प्यासा प्यासा बैठा हूँ मानवीय के पास। मुहाजरीन से अंसार खुश नहीं होते, मुहाजरीन से अंसार खुश नहीं होते, तो फिर कहाँ की ये हिजरत, बुरा ये भारत क्या रोक है। जल कब उतरेगा खुर्शीद बशारत मुझमें, कब ये तन्हाई मुझे गाले गिरा समझेगी खुर्शीद अकबर। जिंदगी बन गई है एक तोहमत, ये जमीन शक हो तो समाओ में शहनाज नहीं। बाबा जली कदर को शोरा ने जज्बे इश्क को भी अपनी गजलों में पेश किया है, मगर इनके पास इश्क की एक नई झलक मिलती है जो जिंदगी की नई कदरों और नए एहसास की तर्जुमानी करती है। चर्चे पेश खिदमत है, जब भी मिला तो हाथ में पत्थर उठा लिया, जैसे मैं उसके हक में कोई आईना हुआ। कोई शख्स उसको समझा वो क्या करता है, मैं नया वक्त हूँ वो है कि लगता है मुझे प्रेम कुमार नजर। जलील वजन ने शायरात को जो निसाई का लहजा अदा किया था, वो बाबा जलील वजन को शायरात के यहाँ और नुमाया तौर पर जाहिर हुआ है। इस वजन में तारीसी नुक्ते नजर पुख्ताकार है और तारीसी जबान बयान माना फैज है। कुछ शेर मुलाहिजा हूँ, मैं बुझ रही हूँ मैं जल रही हूँ, मैं रोज शक्लें बदल रही हूँ, मेरा लहू मुझ में खौलता है, मैं अपने संगे उबल रही हूँ, ये मेरे इनकार की चिता है, मैं जिस पे मर्जी से जल रही हूँ, अपने कुल एहसास से आरी आंख तेरी तरह नजर में अजरा करी। बाबा जली कदर को शोरा किसी भी तरह के जब्र और इस्तेहसाल को बेचू अजरा सहने में यकीन नहीं रखते। वो जानते हैं कि जुल्म करना ही नहीं, जुल्म सहना भी गुनाह है, इसलिए वो जब और इस्तेहसाल के खिलाफ एहतजाज करते नजर आते हैं। चुनाचे उनके तलाश में मजाही और एहतजाज वाले अशआर बकसरत मिलते हैं। चल चल मुलाहिजा हूँ, तुम्हारा सच हमारा सच नहीं है शहरयारो, तुम्हारा सच हमारा सच नहीं है शहरयारो, तुम्हारे सच से हम इनकार करना चाहते हैं। आलम खुशी। ये एक ऐसा जुनून बार बार करते हुए मैं थक गया हूँ, जानू जाऊ दिलो जान इशार करते हुए, ये एक जैसा जुनू बार बार करते हुए मैं थक गया हूँ दिलो जान इशार करते हुए, फर्क एहसास अभी नहीं है मुझे मसलहत की धूप का खौफ, अभी नहीं है मुझे मसलहत की धूप का खौफ, अभी तो सर पे बगावत का शामियाना है असर बनाई नहीं, मेरी अना मेरे दुश्मन को ताजियाना है, इसी चराग से रोशन चराग खाना है, ये भी जो असर बनाई का शेर है। हम तो मत देख हकारत से दामन पर तेरे दामन पर फैलते जाएंगे हम लोग सियाही की तरह राशि बनमत राशि, कब तक आखिर नेत्रों पर सर रखे जाए, हम गहों में दूसरे मंजर रखे जाए असर बनाई। बाबा जी की मदद में हिंदी अल्फाज का बड़ा
ज्यादा खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है और जदीद गजल को चोरा ने हिंदी के साथ संस्कृत अस्मा का भी बड़ा प्रभाव इस्तेमाल किया है। चलिए मुलाजम हूँ मेरे साथी मुझे भी खत्म कर देते मगर मुझको मेरे किरदार में संजीव हुई बुटी खिलाई थी अंबर बहराई जी। चित्रकला संगीत कविता सागर फूल सितारे मन की एक अकेली आग ने कितने भी जलाए। अब्दुल अहद साज दर्द की लहरें सुर में जब भर जाए आलम बंसी की हड़ताल सुरीली हो जाती है। आलम खुर्शीद मेरे स्वागत के लिए हम मोड़ पर खूब आए भी सिमट कर देखना। जयंत परमार बाबा जदीद मंजरनामे ने नए बदले हुए हालात नए तनाजुर आलमी और कौमी अफकार रोजमर्रा और भोजन में आज की ठीक दूसरी जुबान को लाजमी माना गया है जिसमें रोजमर्रा की अंग्रेजी खुली निकली हुई है। चुनाचे जदीद गजल को शोरा ने भी अपने गजलों में अंग्रेजी ने भी उर्दू जुबान का बड़ा महल इस्तेमाल किया है। चल से पेश खिदमत है मैं किताब जारी हूँ बाप है कलम मेरा पर किचन में आते ही वल्गियत बदलती है। लाख और रिश्तों में नाम चढ़ गए लेकिन रोज पादों में मेरी शहरियत बदलती है। अजरा कबीर इश्तियारों उर्दू गजल के लिए कोई नई चीज नहीं है। हली गजल में भी शोरा ने इश्तियारों को बखूबी इस्तेमाल किया क्या था मगर उनका मफहूम दायरा महदूद था जबकि बाबा जदीद गजल ने नए इस तरह के इश्तियारों को फरोग देते हुए पेड़ पत्थर हवा वगैरह का इस्तेमाल इश्तियारती वालामती रहने नई मानवीय के साथ किया है। मसलन जर्द पत्तों का ये मौसम आखिरी सांसों पे है जर्द पत्तों का ये मौसम आखिरी सांसों पे है फिक्र बस किस बात की है पेड़ क्यों देता नहीं अजीज परिवार। बाबा के इस गजल में लफ्जी और इश्तियारती निजाम की बदला हुआ नजर आता है। इस गजल से कदीम गजल की लफ्जियात जैसे जाहिर मुख्तसिब नासे सयार खफस आशिया नामवर आस्था दरबा गरेबा जुनू वगैरह और सब हो चुके हैं इनकी जगह नए अल्फाज ने ले ली है। बाबा जदीद गजल की लफ्जियात का नमूना ये है पत्थर रेत जंगल सफर हवा पेड़ पानी बर्फ रेगजार समंदर दरीचा लावा कोहसार वगैरह। बाबा जदीद गजल की लफ्जियात को फारसी तरातीब से बनने वाले मरकबात ने भी तनाव बख्शा है। फारसी तरातीब का नमूना हंस दे रहे हैं सितारे जमी रफासे गिरोज दोषित रहे इनका दीदरे हैरत शाफे दिल गुंचे गम दश्ते हवस सितारे मशम दश्ते गुमा चश्मे कुनाज वगैरह। इस गजल के उर्दू के मुख्य इजाजत से बनने वाले चंद मरकबात मुलाहिजा हो चांद की कश्ती इश्क की अंधीरा में मसलहत की धूप बगावत का शामियाना सांस का सैलाब रंगों की महक एहसास के जख्म उल्फत के फूल दर्द का जंगल पानी का पिंजरा कलीजे की चटाने आग की पिचकारी आग का सहरा जलती शबनम के खतरे तारों का धुआं नींद के दरिया ख्वाबों के जजीरे वगैरह। अहम चीजें हैं वो पेश कर दीजिए जो अहम है आज का जो मंजरनामा है हवाएं बदल के रहती हैं कलीजे की चट्टानों में मजार आंखों को दानिस्ता कहां से याद करते हैं किस्सों की बरबरी जज्बों की तातारी से खुश होना मिजा हसारफियत में महामारी से खुश होना सूखे पत्तों पर जल्दी शबनम के खतरे ठंडा सूरज सहमा सहमा देख रहा था मखमली खुशबू उजाला सहे कुछ नमत जल मुझ में सितारा सहे कुछ इन अशार में फराते चश्म दरूने खुफे दिल कलीजे की चट्टाने हिस्सों की बरबरी जज्बों की तातारी जलती शब्दों के खतरे मखमली खुशबू वगैरह नए लफ्जी पैकर और नए इश्तियारे हैं जिनके तौसत से शोरा ने आज की जिंदगी के तजुर्बात को पेश करते हुए अपनी हजरत पसंदी और जिदत फैजी का सबूत दिया है। बहसत मजमई बाबा जदीद गजल ने अपने मौजूद एक माहौल से नहीं बल्कि पूरी जिंदगी से दिए हैं इसलिए इस पर पुरानी शायरी की तरह
रेंदाना, आशिकाना, इनकलाबी, इश्तराकी, बाबी, रिजाई, पुरुती, किसी भी किस्म का लेबल चस्पा नहीं किया जा सकता और ना ही इसे किसी एक कैटेगरी में डिक्लेयर किया जा सकता है। यही बाबा जदीद गजल का सबसे बड़ा इम्तियाज है और यह गजल अपनी मौजूद और असानी की रंगारंगी से अपनी अलग पहचान रखती है। शुक्रिया। बाबा जदीद गजल की अहम और सारे अनासी की निशानदेही आपने खूब किया है और अपने मखाले को बहुत अलग बनाने की पूरी कोशिश की है। जौक की तस्कीन का बेहतरीन जरिया सवाल जवाब है। आपसे गुजारिश है कोई सवाल है पूछा जाए। सामने हम आपके सामने इजाजत अपना मिहाला पेश करेंगे। आप शोबे के अहम विशेष कलर है, उन्वान है, उर्दू में नहीं चाहिए। मकाले का उन्वान है नई उर्दू में नई तारीख है यानी न्यू हिस्टोरिज्म इन उर्दू। विकिपीडिया से कोट लेके शुरू करना चाहता हूँ। न्यू हिस्टोरिज्म मैं बाकी मकाला में जाकर खड़ी रहने बात गुजारिश कर रहा हूँ कि पता नहीं कब हम जो है जहन में रखते हुए अपना मकाला पेश करें मुझे याद दिलाने के लिए। जी बिल्कुल, ऑलरेडी मुख्तसर सा है। अब मुझे और कुछ नहीं कि और मुख्तसर कर New historicism aims to understand the world through the cultural context and to understand the history through it. एक roughly translation इस तरह मैं किया हूँ। नई तारीख का मकसद सामाजिक पस मंजर के जरिए अदब और तारीख को तारीख की तफहीम इस तरह हम ये कह सकते हैं अदब तारीख की नुमाइंदगी का एक जरिया। इस जाविये से देखा जाए तो अदब भी तारीखी में तब्दीली का बाइस बनते हैं। अदबी मुकुन का असर तारीख के वाक्यात पर भी होता है। इस जाविये से तारीखी मुताला अदबी मुताला भी है। एक मशहूर अंग्रेजी नकाश लुईस कहता है कि तमाम मुतून हकीकत में समाजी और सकाफती कहते हैं। तारीखी का मुताला समाज और सकाफत को नजरअंदाज नहीं किया। अदबी मतून समाज और सकाफत के रिश्ते का एक मजहर है। नई तारीखियत की वजह से अदबी शिरियात का मुतासर होना लाजमी है। नई तारीखियत एक ऐसे बयानिया की तश्कील है तश्कील पर तवज्जो सर्व करती है जिसमें ताकत के तजादात नुमायाँ होते हैं। ऐसे मतून भी मिलते हैं जिनमें तारीख के हवाले पाए जाते हैं। ये हवाले हकीकत पर मबनी होते हैं। प्रेमचंद ने कहा था किसी भी दौर के आदत में जो नाम मिलते हैं वो फर्जी हैं और जो वाकयात मिलते हैं वो हकीकी हैं। इसके बरस तारीख में जो नाम मिलते हैं वो हकीकी हैं और वाकयात फर्जी। नई तारीख के वादक है कि तारीख वाकयात किसी भी दौर के सियासी सामाजिक कुवतों का नतीजा होता है। जबकि कुवतें किसी शौबे इल्म पर हावी हो जाते हैं वो मुख्तलिफ उलूम के उसूल और जवाबत बयान करते हैं बल्कि कीमत मुतय करने में अहम रोल अदा करता है। तारीखियत के दो उसूल हैं। सॉरी तारीख के दो उसूल हैं। पहला ये कि वो किसी वाक्य को उसके जमानी पस मंजर में देखती है और उसकी तौजीह करती है। दो, तारीख हर वाक्य को समाजी और सकाफती हवाले से देखती है। हम ये कह सकते हैं कि तारीख सिर्फ तारीख पर मुहित नहीं उसके दायरे इल्म में तमाम समाजी और सकाफती उलूम आ जाते हैं। अदब और तारीख का रिश्ता बहुत ही करीब है बल्कि एक अहम नासिब है कि दोनों का रिश्ता इतना ही करीब है जितना दोनों का होती है। हर मुख्तलिफ अखबार में मुख्तलिफ दानिशों ने अदब और तारीख के रिश्ते पर इजहार ख्याल किया। अदब को इंसानी जिंदगी की तफसीर और ताबीर समझा गया तो यह बात लाजम आती है कि अदब इंसानी जिंदगी की तारीख का हिस्सा है। अदब और तारीख का रिश्ता सीधा साधा नहीं हो सकता बल्कि मुताबिक इंखलाका बाइस होता है। ये ताल्लुक बाहमी इतफाक का भी हो सकता है और इख्तलाफ का भी। तारीख भी अदब की तरह तारीख होती है।
अरब और तारीख के मुकाबले में बहुत पहले से दो जाविये नजर मौजूद रहे हैं। एक अदबी मुकाबले में तारीखी पस मंजर को मलहूस रखता है, जबकि दूसरा अरब को खुद मुख्तार समझता है। वो तारीख तनाजुर में अदब का मुताला नहीं करना चाहिए। अफलातून ने नजरे नकल के तहत अदब को तारीख के ताबे बताया है। यही नजरिया कई दस्तान नकल का वजूद का बायस रहा, जिनमें दस्तान मार्क्सी नकल भी शामिल है। मगर उनके शागिर्द अरिस्तो ने इनके ख्याल से इख्तलाफ करते हुए अदब को खुद मुख्तार कहा है। यही नजरिया हयाती और नई तहकीक के वजूद का बायस। इन दो मुतकरीन के जाविये नजर के दरमियान नई तारीख का नजरिया प्रवान करता रहा, जिसने नादब को कुली तौर पर अलग किया और नादब को तारीख का मरहूम मिलत समझा। नई तारीख उन रिश्तों को उजागर करती है जिसकी नॉलेज बहुत गहरी है। इसमें आदमी मकून की तब्दील का एक नया जाविये नजर है। यह किरत का एक खास तरीके का है जो मतन के गहरे मुताले पर जोर देती है। ये बताती है के मतन की तब्दील कैसे की जा सकती है। नई तारीखें ये देखी है कि मुसनिफ का बाद का तबके के जेर असर था या उनके खिलाफ कोई जाविया नजर आता। उर्दू में जदीद तनकीदी नजरियात की तरह नई तारीखें को भी सर्द मोहरी का सामना करना पड़ा। चंद ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने नई तारीखें के हवाले से काम किया। उसमें गोपीचंद नारंग, प्रोफेसर आतिफ और बेग एहसास का नाम सर के बेग एहसास ने मुरादुल आइन हैदर के उम्मत का तारीखी की रोशनी में तजिया किया जो यकीन काबिल तारीफ थी। और आज मौजूदा दौर में उर्दू अदब नई तारीखी के हवाले से तिश्नगी है उर्दू और इस पर और भी तवज्जो देने की जरूरत है। तारीख और अदब का रिश्ता अटूट है। अदब ही तारीख की तब्दीली का जरिया है और तारीख की तब्दीली अदब का मौजू है। अदब और तारीख यानी लाजिम मुकद्दर है। कोई सवाल है तो पूछिएगा। तारीख का मुताला अदब में क्यों करें जबकि हम रास तौर पर तारीख से इस्तेफादा कर सकते हैं? जी ये मतलब इस पर अभी भी इख्तलाफ राय है। कुछ लोग जो है आपका जो नज़रिया आप कह रहे हैं ये इस पर मुत्तफिक है कि अदब को जो है अदब के जरिए देखना चाहिए, उस पर तारीख ढूंढने की जरूरत नहीं। एक्चुअली नई तारीखियत का जो नज़रिया है वही मैं पेश किया, उसके जरिए से ये बताया गया है कि अदब के जरिए आप तारीख को ढूंढिए। उर्दू जुबान का बदलता मंजरनामा। मेरे मुताबिक का उनवान है उर्दू जुबान का बदलता मंजरनामा। 21वीं सदी साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी है। जदीद इजाद और दरियाफ्तों के सबब हर दिन भी नए इंकशाफात हो रहे हैं और ये कहना वजह होगा कि ये साइंसी इंकशाफात दरियाफ्तें और नई नई तकनीकात अभी अपनी आखिरी मंजिल को नहीं पहुंची है, बल्कि जब तक दुनिया है इस वक्त तक ऐसे इंकलाबात होते रहेंगे और ये बात आए मुमकिन है कि वो अशिया जो आज इंसान की जरूरियात में शामिल हैं कल वो बेकार साबित हो जाएं और उनकी जगह दूसरी ईजाद खालिस हो जाए। आज के जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी ने इंसान के तस्वीर जिंदगी को बदल कर रख दिया है। जब जिंदगी जीने की रविश तब्दील होती है तो इस इंकलाब से उसकी तहजीब और जबान का मुतासर होना लाजमी है। इसलिए 21वीं सदी में उर्दू जबान अदब के सामने ये चैलेंज है कि वो किस तरह बदलते हुए जमाने के साथ हम आहंगी पैदा करें। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जिंदगी के तमाम शोबों में इंकलाब बर्पा हो गया है जिसकी शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तरक्की के दौर में हर कोई दूसरे पर सिफत दे जाना चाह रहा है, इसलिए जिंदगी के हर मैदान में मुकाबला बढ़ गया है। नतीजतन जिंदगी का तवाज़ुन बिगड़ रहा है। ज़बान और अदब भी तब्दीलियों से बेखबर हैं। जाहिर सी बात है अगर जिंदगी जीने के तरीके बदल रहे हैं तो हमारे वसीले इजहार ख्याल यानी ज़बान और अदब का बदलना भी एक फितरी अमल है। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि आलमी गांव के फैल
बड़ी जबानों के वजूद को भी खतरा गायब हो गया है। एक अंदाजे के मुताबिक 21वीं सदी में दुनिया के 90% जबानें और बोलियां मादुर हो सकती हैं। 2001 की अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 230 जबानें खत्म हो चुकी हैं और 2500 से ज्यादा जबानें और बोलियां अपना वजूद खोने वाली हैं। इतना ही नहीं कि कुछ माहिर लिसानियात की हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं कि 21वीं सदी के आखिर तक पूरी दुनिया में सिर्फ एक दर्जन जबानें ही बाकी रह जाएंगी। रस के बेशतर माहिर लिसानियात का ख्याल है कि 21वीं सदी में दुनिया की हर बड़ी जबान के सामने अपने वजूद को बचाए रखने का मसला दरपेश है। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है तो यूनेस्को की जारी करदा लिसानी रिपोर्ट में 1996 में मुल्क की 1600 से ज्यादा जबानें और बोलियों को खतरों के दायरे में रखा गया है। जबानों की बका और तरक्की के हवाले से मस्कुरा खदशात की रोशनी में जब हम उर्दू जबान का जायजा लेते हैं तो इस हकीकत को कबूल करना होगा कि दुनिया की दीगर जबान की तरह उर्दू के सामने भी चैलेंज है और ग्लोबलाइजेशन के मुकाबला जाती दौर में उर्दू को भी अपना वजूद कायम रखने के लिए तमाम तकाजों को पूरा करना होगा जो इस अहद-ए-इंकलाब का तकाजा है। अब सवाल यह उठता है कि 21वीं सदी में उर्दू का हाल और मुस्तकबिल क्या है। जाहिर है मुस्तकबिल के खातों में रंग हाल के तकरीर फिक्स से ही भरा जाता है और हाल में आलमी सतह पर जो नई नई तब्दीलियां रोनमा हो रही है इन तब्दीलियों के दरमियान उर्दू अपनी जगह बनाने के काबिल है या नहीं इस पर गौर फिक्र जरूरी है। इस हकीकत को भी मद्देनजर करते रखना लाजमी है कि जो जबान बाजार की ताकतों से मुकाबला करने की कुव्वत रखती है और जिसका ताल्लुक पैदावार और मुआसिलात के अमल से है जो माकूलियत पसंदी पर ममानत रखती है और जिसे सिर्फ इस जबान के बोलने वाले ही नहीं बल्कि मार्केट का भी सहारा है इसी जबान का मुस्तकबिल रोशन होगा। जैसे कि साइंस का एक उसूल बकाया इस्लाम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है यानी वही चीज बाकी रहती है जो जमाने से मुताबिकत पैदा कर ले वरना अपना वजूद खो देती है। गर्ज ये है कि जो चीज असल हाजिर के तकाजों को पूरा नहीं कर सकती वो अपना वजूद खो देती है। इस सिलसिले में चंद माहिर इंसानियत का ख्याल है कि जो जबान जरूरत के जमाने की जरूरत को पूरा नहीं करती इसका फना होना लाजमी है लेकिन वो इस बात को फरामोश कर देते हैं कि जबान न सिर्फ समाज और तहजीब का आईना होती है बल्कि इसे जन्म भी देती है। लिहाजा जब एक जबान मरती है तो इस पर इससे ताल्लुक रखने वाले तमाम सामाजिक रस्म रिवाज आदत और मसायल भी खत्म हो जाते हैं। जहां तक उर्दू का सवाल है उर्दू अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही महदूद नहीं थी बल्कि आलमी सतह पर भी इसका दायरा वसी तक होता जा रहा है। आलमी सतह पर उर्दू जबान दुनिया में बोले जाने वाली चौथी सबसे बड़ी जबान बन गई है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उर्दू के अंदर ऐसी कुव्वत पैदा की जाए जिसकी बदौलत आलमी बाजार में इसकी पकड़ मुस्तहकम हो सके और इसी वक्त और ऐसा इसी वक्त मुमकिन है जब उर्दू बदलते हुए जमाने के साथ हम आहंगी पैदा करें। लिहाजा 21वीं सदी में उर्दू जबान के वजूद को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि उर्दू की तालीम को एक तहरीक की सूरत दी जाए। साथ ही साथ इसका रिश्ता साइंसी इजादात और टेक्नोलॉजी के इंकलाबात से भी जोड़ा जाए ताकि उर्दू दम तबका इस एहसास कमतरी के फौज से बाहर निकल सके कि बगैर अंग्रेजी की हमारी दुनिया सवर नहीं सकती। आज चीन जापान फ्रांस जर्मनी यूरोप के दीगर ममालिकों ने इस हकीकत पर तस्लीम कर लिया है कि वो दूसरी जबान के सहारे बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते इससे वो अपना वजूद खो रहे हैं। इसलिए ग्लोबलाइजेशन के दौर में लसानी रकबे के रद्द अमल में फ्रांस ने अपने फ्रेंच जबान से अंग्रेजी जबान से लिए गए अल्फाज को निकाल दिया है। हमारे उर्दू माशरे में जिन लोगों की ये सोच है कि अंग्रेजी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं इन लोगों को चीन जापान और जर्मनी से सबक लेना चाहिए कई ममालिक ने अपनी अपनी जबानों की बदौलत की तमाम तरक्की की मंजिलें तय की हैं। अक्सर लोगों को यह गलतफहमी है कि इस दौर में अंग्रेजी पढ़ने से ही आला दो पर मुलाजमत मिल सकती है। अगर ऐसा होता तो बरतानिया और अमेरिका में कोई शख्स बेरोजगार नहीं होता। सच्चाई तो यह है कि अंग्रेजी को फौकियत देने वाले ममालिक वो हैं जो मुल्क बरतानिया के गुलाम रहे थे और अब तक एहसास कमतरी का शिकार हैं। वरना देखा जाए तो दुनिया के ऐसे दर्जनों मुल्क हैं जो बगैर अंग्रेजी के सहारे के तरक्की के मामले उच्च पर जाते हैं।
21वीं सदी में उर्दू के हवाले से जब बहस की जाए तो इस हकीकत के मद्देनजर रखना चाहिए कि इस आलमियत से मुकाबला करने की हिम्मत इस जबान की है या नहीं, क्योंकि आज तालीम बराए तालीम एक अस्कार रफ्ता तखैल बनकर रह गया है। तालीम बराए तहजीबी तशखस और तालीम बराए माश का तस्वुर आम हो गया है। इस आलमियत ने हर 5 साल बाद हासिल शुदा इल्म को बेमानी बना रहा है। ऐसे हालत में उर्दू का अंजाम क्या होगा? क्या सिर्फ उर्दू अपने इलाके तक महदूद होकर रह जाएगी या इसके दायरे और वसी होंगे? इसमें कोई शक नहीं कि उर्दू का दायरा भी वसी हो रहा है, क्योंकि उर्दू भी कंप्यूटर की जुबान बन चुकी है और गूगल का सहारा है। लेकिन ये अंदेशा तो बहरहाल बरकरार है कि क्या इस सालियत के दौर में जब हर चीज को नफा नुकसान के मीजान पर परखा जा रहा है, इस दौर में उर्दू कहाँ है? लेकिन उर्दू में हर किस्म के उलूम फुनून के मुतालिक मवाद और मालूमात का ज़खीरा मौजूद है। जदीद इस्तेलाहात की भी कमी नहीं है। रस के उर्दू ज़बान में वो इंद्रिय और फिक्री सरमाया मौजूद है जिसकी बदौलत हम इस आलमी गांव में जी सकते हैं और ताकतों को अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं जिनके जरिए हम अपने लिसानी पसमानदगी का इजाफा कर सकें। इस बात की अशद जरूरत महसूस की जाती है कि नई नस्ल जो उर्दू से बेगाना होती जा रही है, इसको उर्दू की तालीम से वाबस्ता कराने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। अगर हमारी ये कोशिश कामयाब होती है तो फिर उर्दू का ताबनाक होगा और मुस्तकबिल भी काबिल फिक्र साबित होगा। ऐसे नाजुक हालात में उर्दू आबादी के बच्चों को उर्दू जरिए तालीम से जोड़ने की अशद जरूरत है, वरना गालिब के अशआर कथक रकासा मोहतरमा उमा शंकर के रक्स में तो सुनाई देंगे मगर हमारे बच्चे कहेंगे कोई बताओ कि गालिब कौन है। शुक्रिया खदीजा तस्कीन साहब। बेरोजगारी का मसला सिर्फ जुबान से नहीं हो रहा है, निशानी तशखुस भी बहुत जरूरी है। ग्लोबल चैलेंज कबूल करना ही इसकी बका का जरिया है। आपने बड़ी अर्थेसी और जानशानी के साथ मखाले पेश किया है, जुबान से मुताल्लिक मुसल्लम सबूत हवालों से काम लिया है। कोई सवाल है? आपने कहा कि 13 जबानें रह जाएंगी 21वीं सदी के आखिर तक, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि उर्दू है? मेरा सवाल यह है कि आपने कई हवाले वो भी हवाले दिए हैं, साइंटिस्ट ने कहा है, साइंसदान ने कहा है, किस माहिर ने कहा है, लेकिन किसी का नाम नहीं बताया कौन माहिर वो। दूसरा वापस क्या है, हवाले क्या है? कोई रिसर्च पेपर जो है बगैर हवालों के मुकम्मल नहीं होता है, लोगों की बातें हर कोई कर सकता है। सर एक जगह मैंने विकिपीडिया से लिया था और यूनेस्को की विकिपीडिया को आप क्या मुस्तनद मानते हैं? यूनेस्को की रिपोर्ट की अलग बात क्यों है? आपको पता नहीं है कि यूनेस्को की रिपोर्ट के लेकिन 13 जबानों वाली बात पर आप गौर कर रहा था, खत्म हो जाएगी कुछ जबाने मामले, लेकिन वक्त हमेशा बदलता रहता है। आज हम जबाने जो है सारिफियत का शिकार हो रही है, कल को हो सकता है कि सारी चीज खत्म हो जाए, हम फिर अपनी तहजीब के तो जब ये सूरत हाल बदलती है तो इसके बारे में जबानों के बारे में पेशन को ही करना मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे देते हैं ताकि उनकी अपनी मकबूलियत हो जाए। हिंदुस्तान की जुबानों में उर्दू को एक शानदार दर्जा हासिल है।
इंसान दोस्ती कुशादा नावली नौशदारी हर एतबार से उर्दू को दूसरी हिंदुस्तानी जबानों पर बड़ी फौकियत हासिल है। मगर हिंदुस्तान में उर्दू के साथ बहुत सारी नाइंसाफियां भी बरती गई, मगर उन तमाम बातों के बावजूद उर्दू की अजमत और वक्त में किसी तरह की कमी मात्र न हुई। इसके बरकरार उर्दू की हल्की खूबियां, उसकी लचकदारी और भारत भर में उसके फैलाव और चलन ने उसकी मौजूदा हालत में चार चांद लगा दिए हैं। जदीद हिंदुस्तानी जबानों में तमाम हिंदुस्तान में फलने फूलने की खुशबख्ती उर्दू के सिवा हिंदुस्तान की किसी और जबान को मैसर नहीं हुई। हिंदुस्तान के कोने कोने में मंतशित अक्सरियत न सकी अक्सरियत तो इसी जबान में ही तबादले खैर करती है। एक इंडिया सौवी जबान को भी नसीब नहीं हुआ है। यहाँ एक बात और तर्क है कि एक जबान की बड़ाई और शान शौकत की खदर पैमानी उस जबान के बोलने वालों की तादाद की बिना पर नहीं बल्कि उस जबान की समाई और खपत की सलाहियत चाहे उर्दू को एक खुशबख्ती इसलिए हासिल है कि उर्दू बोलने वाले अफराद अक्सरियत में होने के बावजूद तमाम हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। चुनांचे हिंदुस्तान के दीगर रियासतों के साथ साथ तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला जैसी द्रावड़ी इलाकों में भी उर्दू में तकलीफ का अमल जारी है, चाहे वो कम पैमाने पर भी क्यों न हो। तमाम हिंदुस्तान की मकबूल तरीन जबान, तमाम हिंदुस्तान की कारोबारी जबान उर्दू अदली तहरीक के लिहाज से हिंदुस्तान के इस सरे से उस सरे तक फैली हुई वाहक जदीद जबान है। इतनी सरबुलंदी और सरफराजी का दावा कोई दूसरे हिंदुस्तानी जबान नहीं कर सकती। इस जबान में मेरे जहन में चंद सवाल उतराते हैं, मैं यहाँ इनका इजहार चाहता हूँ, इसलिए कि हमारे आने के बरस का मौजूद उर्दू जबान व अदब का बदलता मंजरनामा है। तमाम हिंदुस्तान में लिखी जाने वाली नसरी व मंसूम तसानीफ में क्या क्या इकदार शामिल हैं? क्या हिंदुस्तान की बैरंगी में रंगारंगी कसरत में वक्त का मुशाहदा उर्दू में किया जा सकता है कि नहीं? मुख्तलिफ इलाकों में तहलीक होने वाली उर्दू तसनीफों में मदनी उर्दू ज्यादा है या मकामी या इलाकाई? क्या मुख्तलिफ रियासतों में तहलीक होने वाली तसनीफों में इन रियासतों की बोलियों सकाफतों की भू पाई जाती है कि नहीं? क्या तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बंगाल, पंजाब वगैरह रियासतों में तहरीक व तामीर होने वाली उर्दू तसानीफ में इन रियासतों की विरासत की तकरीर की जाती है कि नहीं? इस मौके पर डॉक्टर के एम जॉर्ज का एक मुशाहदा बोरे तरफ है। हिंदुस्तानी जबानों में सैकड़ों मुसन्निफे हैं, लेकिन इनमें एक हिंदुस्तानी मुसन्निफ का दूर तक पता नहीं चलता। लाखों खाली हिंदुस्तानी अदब का मुताला करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तानी अदब से सभी नाबालिग हैं। हिंदुस्तानी अदब का मुताला डॉक्टर जॉर्ज के कहने का मतलब यह है कि कहने को हमारे उदमा मुख्तलिफ इलाकाई जबानों के नुमाइंदगी करते हैं और मलयालम अदीब या पंजाबी अदीब की हैसियत से जानी पहचानी जाती है, लेकिन इनमें कोई भी सही मानों में एक वसी हिंदुस्तानी तहजीब की नुमाइंदगी नहीं करता। उर्दू का किस्सा अलग है। उर्दू तो किसी खास इलाका या रियासत की जबान नहीं है जिसकी अदली तहजीब किसी महसूस जगह तक महदूद भी नहीं है, इसलिए उर्दू बजा तौर पर हिंदुस्तानी का दावा कर सकती है। इस माने में के काई इलाकाई हमदर्दी से आजाद रहते हुए हिंदुस्तानी के काई हो जाते हैं, ये बात कहां तक बजा है? हाँ, ये बात भी जरूर सही है कि हिंदुस्तानी रियासतों की लिसानी तकसीम ने उर्दू को बुरी तौर पर जरूर मुतासिर किया है, मगर ये सब मसाइल हमें दावत तहकीक देते हैं। अवस्थी मोदी ने जंगल का अक्स जैसे उर्दू में मुनक्कस तहजीब हमारी तुम्हारी जानी पहचानी मुश्तरक हिंदुस्तानी तहजीब ही है।
एक होमी एजेंसी के लिए सामान मुहैया करती रहती है। फिर अंगे लाला व कुल व नसरी मुलाकात हर अंग में बाबा का अस्बाब चाहिए। केरला की जुबान मलयालम है। उसके जुनूबी और वस्ती इलाकों में बसने वाले चंद लोग तमिल और कर्नाटक से मुतसिल शुमाली इलाके में रहने वाले चंद लोग कन्नड़ जुबान बोलते हैं, मगर केरला के 94% लोगों की जुबान मलयालम है। खुदा की अपनी बस्ती के लकब से मशहूर केरला में हिंदू मुस्लिम ईसाई लोग मिलजुल कर रहते हैं। आबादी में 24% लोग मुसलमान हैं, मगर उनकी मादरी जुबान मलयालम है। केरला में मादरी जुबान की हैसियत से उर्दू बोलने वाली आबादी की कुल तादाद 18,000 के करीब है। 1971 मुकदम शुमारी की रू से यह तादाद 11,374 है और 2011 की मुकदम शुमारी में दस्तयाब मवाद के मुताबिक उर्दू मादरी जुबान रखने वाले आबादी की तादाद 13,492 है। इसके बावजूद उर्दू पढ़ने पढ़ाने और उर्दू से दिलचस्पी और हमदर्दी रखने वाले हजारों तलबा व तालिबात असातिज़ा और आम लोग इस रियासत में मौजूद हैं। चुनांचे ज़माने हाल के आदाद व शुमार के मुताबिक केरला में स्कूली सतह पर 5वें दर्जे से 10वें दर्जे तक 1,00,000 के करीब उर्दू तलबा व तालिबात और 1,50,000 के करीब उर्दू असातिज़ा दरस व तदरीस के मुताबिक में लगे हुए हैं। हायर सेकेंडरी की सतह पर 6,000 तलबा और 70 असातिज़ा उर्दू पढ़ना ही के लिए मखसूस है। बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी, बीएड जैसे रेगुलर कोर्सेज के अलावा अदीबे मास्टर जैसी ओरिएंटल टाइटल डिग्रियां प्राइवेट तौर पर करने की सहूलतें भी यहाँ मुहैया हैं। यूजीसी नेट उर्दू इम्तिहान में अब तक 35 से 40 मलयाली तलबा कामयाब निकले हैं, जिनमें ज़ियारत और फैट भी शामिल है। उर्दू की हद तक रियासत केरला की तरफ से ताजा तरीन खबर यह है कि केरला उर्दू अकादमी के खयाम 2016 फरवरी में हो चुका है, मगर इस बातें सरकारी पॉलिसी के तहत एक सारी जबान के साथ हक के तौर पर अदा किए हैं। हस्बे वाला आदाद और शुमार से ये साफ दाखिल है कि केरला में उर्दू पढ़ने वाले और उर्दू से दिलचस्पी और हमदर्दी रखने वाले गैर अहले ज़बान लोग हैं और इसी बिना पर इसी रियासत से मुंसलिक बेशतर उर्दू तहरीक यहाँ के मलयाली पाठकों के हाथों अमल में आए हैं। केरला के उर्दू तहरीक का जायजा लेते वक्त दो बातें दाखिल होती हैं। एक, केरला में उर्दू अदब की तारीख ज्यादा बुनियादी नहीं है। दूसरी, केरला के उर्दू अदब में दो धारे साफ नजर आते हैं, एक अहले ज़बान लोगों के कारनामे, दूसरे मलयाली के कारनामे। केरला के उर्दू अदब के इब्तदाई ज़माने की तहरीक ज्यादातर केरला में वाहिद अलग अलग मकाम के उलवा के कारनामे हैं। ये लोग अपने पेशावराना मसरूफियत के साथ साथ शेर व शायरी के मैदान में भी अपनी अदबी सलाहियत का लोहा मनवाया है, मगर कोई संजीदा कोशिश न होने पाई है और इसी बिना पर यह तहकीक गैर महफूस है। वक्तन फवक्तन अलग अलग रिसालों और मखतूतात में चक्कर आए हुए ये मवाद बदकिस्मती से अपनाया या कामयाब है। जबानी रिवायत के पेश नजर हम इतना कर सकते हैं कि इस नवियत की तहकीक ज्यादातर गजलों और नज्मों पर मुश्तमिल है, मगर इब्तदाई उर्दू तहकीक का माकस और मरकज टेरिटरी है। मसलन नामिका एक रिसाला ने एक मुद्दत तक उर्दू की शायद का काम सरंजाम दिया है, जिसका चलन अचानक कम होता गया और आखिर में बंद हो गया। नारकीस्तान तिलिचरी के अंजुमन इस्लाकुल लिसान की निगरानी में शाया हुआ था और इस अंजुमन इस्लाकुल लिसान का एक तुर्रे इम्तियाज रहते थे। इस अंजुमन ने कौमी सतह पर एक कॉन्फ्रेंस के इनाकात का एहतमाम किया था और देशी सतह पर उर्दू की अहमियत का एक प्रचार हुआ शो पेश किया। इसके रूहे रवा सतह सर्ज साहिब थे, जो तकसीम के बाद पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। इस मुहिम में सतह साहब के दस्ते रास्त मरहूम इसहाक साहब थे और उनके दोस्तों सफिया भी साहिबा उर्दू की प्रोफेसर की हैसियत से रिटायर हुई। एक अहले ज़बान की हैसियत से संजीदा अदबी कोशिश का सहारा
सुलेखा हुसैन साहिबा के सर बांधता रह सकता है। एर्नाकुलम में उठे सुलेखा हुसैन साहिबा के कलम से तकरीबन 26 नावियों की तकलीफ हुई है। उनको बेजा तौर पर उर्दू की या कम से कम केरला की जेन ऑस्टिन कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने नावलों में घरेलू जिंदगी से मुताबिक मसाइल को अपन जगह दी थी। सुलेखा हुसैन के नावल भी उन्हें घरेलू मसाइल पर मबनी है। औरतों की खानदानी मसाइल उनके अहम मौजूद रहे हैं। केरला के अगले दवाना उदवा का सिलसिला सुलेखा हुसैन पर आकर खत्म हो जाता है। इसके बाद मलयाली उर्दू अदीबों के कारनामे मंजर आम पर आ जाते हैं। ऐसे लोगों में सबसे ज्यादा जबरदस्त शख्सियत सैयद सरवर साहब की सरवर साहब शायर की हैसियत से मशहूर है। आपकी दो मंजूर तहरीका शाया होकर मंजर आम पर आ चुकी है, वो है अरबगाने केरला और नवाए सरवर। ये दोनों मंजूर तहरीका दो एक गजलों को छोड़ के नज़्मों का मजमुआ है। उर्दू सरवर साहब की मादरी ज़बान नहीं थी। सरवर साहब की पैदाइश कोचीन के ऐसे गांव में हुई जहां उर्दू का कोई पुरिस्ताने हाल भी नहीं था, पुरसाने हाल भी नहीं था। सारी दुश्वारियों के बावजूद उन्होंने बड़ी लगन व मेहनत से उर्दू सीख ली, फिर उसमें इतनी दस्तगा मधुम पहुंचाई के उसमें शेर भी करने लगे। सरवर साहब के कलाम पर इकबाल का रंग खास नुमाया है। बखौल प्रोफेसर शमीम हनफी कोट, सरवर साहब की मादरी जबान मलयालम है लेकिन उर्दू उनका इश्क है। उनका खुलूस और जद्दोजहद काबिले कदर भी है और लायक तकरीर भी। सरवर साहब का शेरी मिजाज इफानी और मकसदी है, चुनांचे उनकी तमाम नज़्मों में इन अकदार व अफकार की झलक नुमाया है जिन्हें वो अपनी कौमी दर्दमंदी और नेक नफसी के पास अजीज रखते हैं। जनाब मोहिउद्दीन कुट्टी साहब केरला के एक अच्छे शायर हैं, उनकी मादरी जबान मलयालम है। एक और मलयाली उर्दू शायर का नाम है सी के मुख अब्दुल मजीद। दोनों की जितवाई कोशिश से प्यारी प्यारी नज़्में नामी एक मंजूर मजमूआ भी हाल में शाया हुआ है। ये मंजूर किताब दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में बच्चों के लिए छोटी छोटी नज़्में हैं और दूसरे में मुंतखब नज़्में वो भी बच्चों के लिए इंतखाब किए हैं। मेरा सफर एल मोइनुद्दीन कुट्टी का शेरी मजमूआ। इस तरह कई लोग केरला में इधर उधर धीरे धीरे मंजर आम पर आ रहे थे। इस मौका पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मादरी जबान मलयालम रखने वाली आइंदा पीढ़ी केरला में रहकर उर्दू के पेशे बरवा सरमाए में इजाफा करती रहेगी। शुक्रिया। केरला वालों का इश्क उर्दू से वसी हिंदुस्तानी तहजीब की नुमाइंदगी सही मानों में उर्दू करती है। मलयालम बोलने वाले 84% हैं लेकिन उर्दू पढ़ने पढ़ाने का शौक दूसरे रियासतों से ज्यादा केरला में दिखाई दे रहा है। तो केरला में उर्दू अकेडमी जनवरी 2016 में उसका आरंभ हो चुका है। ये बहुत ही खुशहाली बात है। सदर इजाज प्रोफेसर ए सरदार साहब सारा बसर बेजरा आपसे दरखास्त करती हूँ कि आप मकालों से मुताले अपने हंसी की फासला सामने बोल सुझा करें। मस्तक पर जलो अफरोज फाजिल मखाला लगा जल सामने मुस्तशी फरमा मस्तक प्रोफेसर अजराज इस दो रोजा कौमी सेमिनार के जरूरे रवा मोहतरम मोहतरम प्रोफेसर मसूद सिराज साहब हजरात खवातीन नाज़िम इजलास मोहतरमा इशरतुन्निसा साहिबा तलबा और तालिबात, सबसे पहले मैं मसूद सिराज साहब का दिल की गहराइयों से जो शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज के पहले इजलास की सदारत का एजाज बख्शा और मुझे इस यादगार सेमिनार से वाबस्ता किया मुझे मंजूर करके। मसूद सिराज साहब आज के खासकर इस इजलास की शुरुआत के साथ बात यह थी कि वक्त पर शुरू हुआ, बहुत कम जो है
भंडारों में से देखने को मिलता है, क्योंकि मैं भी वक्त की पाबंदी का कुछ ज्यादा ही खायल हूँ, इसलिए खासतौर मुझे बहुत अच्छा लगा असुर सिराज साहब के नाम के साथ जो बहुत अच्छी चीजें मेरे जहन में महफूज हैं, उनमें उनकी बेबाकी भी है, उनका जुलूस भी है और उनकी वक्त पर पाबंदी भी है। खासकर एक कैप्टन की हैसियत से इन सारी जो है पहलुओं पर जितनी गहरी नजर होगी और इसकी हम जितनी इसका जितना ख्याल रखेंगे, हमारे जो साथी हैं हमारे रुखा हैं उनकी अच्छी तरबियत हो सकती है, मैं इसके लिए भी उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और महाराजा को भी प्रोफेसर हजरात को भी मुबारकबाद देनी चाहिए कि सब लोग जो है वह 10 बजे को ऑफ दिया गया था और तकरीबन सब लोग जो है यहाँ हाल है जमा हो गए। उसके बाद महारों के हवाले से जैसा कि आप कहते हैं 5 महारे जो है इस विशिष्ट में पेश किए गए और खासतौर पर मुझे खुशी इस बात की है कि ये पूरा जो इजलास महाराज इजलास के पूरे नौजवान थे, मैं उनके साथ बैठ कर जो है मजे ले रहा था और वो खुद को भी मेरे महसूस कर रहा था, क्योंकि तलवार तैनात जैसे शहादत के दरमियान रहते हैं तो उनके साथ मतलब को शेयर करने का रियाज को शेयर करने का वो जो है वो एहसास ही अलग होता है। उन्वान अदब जबान और अदब दो हिस्से हैं इसके, तो जो मसाले पेश किए गए उन दोनों हिस्सों का अंग्रेज में अहारा हुआ है, जबान के हवाले से भी मसाले पेश किए गए और अदब के हवाले से भी जो है इसमें मसाले पेश किए गए और 5 मसाले बिल्कुल नौयत के अतबार से अलग थे, मुनफरिद थे, गजल नावल तारीख और उसके साथ जो है वो जबान का तहफ़्फ़ुज़ 21वीं सदी में और फिर जो है आखिर में एक इलाका जिसका तज़किरा कल अपने तलीज़ खुतबे में हमारे करीम मामू साहब ने भी किया था, खासतौर पर केरल का तज़किरा करते हुए वहाँ जो उर्दू तरक्की कर रही है उस पर उन्होंने उसकी तरफ वादे इशारा किए और कई नाम सरवर साहब का वगैरह भी उन्होंने लिया था। तो मैं सबसे पहले तमाम महाराजगार को दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हर एक ने जो है काफ़ी मेहनत की है और ये जो वक्त की पाबंदी मुंतजमीन की मजबूरियों के पेश नज़र लगाई जाती हैं उनसे कभी कभी अचानक पढ़ते ही मुझे रोक लिया जाता है तो बहुत से हिस्सों को कहाँ से हज करें और कहाँ से जो आगे बढ़ा जाए उस सिलसिले को आगे बढ़ाएं ये कन्फ्यूजन होता है। और जबकि महाराजा रिसर्च स्कॉलर्स हों क्योंकि उनका तजुर्बा जो है दूसरे आसाता के बड़ा नस्बत तजुर्बाकार लोगों के जो कम होता है इसलिए भी थोड़ी सी हड़ा बड़ा परेशानी हो जाती है। जैसा कि फौजीदार तजुम साहिबा ने कहा था कुछ वो बाजार में बता रही थी कि उनके पास एक 10 मिनट दरकार थे उनको किसी चीज़ पर रोशनी डालने के लिए, वो मजबूरी है कि हम दे नहीं पाए। तो बहरहाल नौजवान असातिज़ा हैं रिसर्च स्कॉलर्स हैं सब ने जो है अपने मुहारों से जो है पूरा इंसाफ किया है। नावल का जो बदलता मंजरनामा पेश किया गया हमारे डॉक्टर सनावला साहब ने, मुझे खुशी इस बात की हुई कि दूसरे मकाले गजल में महमूद शाही साहब ने जो एतराज किया था कि मुखावी किसी गजल के शायर का उन्होंने तस्करा जो है नहीं किया करना चाहिए था, वो गुंजाइश हमारे सनावला साहब ने बाकी नहीं रखी। उन्होंने यहाँ के बहुत से नावल निगारों अमीर शक्कर हैं और कई नावल निगारों का उन्होंने तस्करा किया, तो मैं कहूँगा वो रुमानी जो पहला दौर है अब्बासी दौर है वहाँ से लेकर माबाद जदीदियत और से हाजिर तक जो है हमारे सलावला साहब जो है पहुँच गए और साहब जो है कुछ पहलुओं की तरफ इशारा करते हुए जो है उन्होंने मुझे उनका मखाना अच्छा लगा भरपूर लगा। मुमकिन है कहीं से कुछ हिस्से जो है वो पेश करने से रह गए हों उसकी पाबंदी की वजह से, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा मखाना जो है पेश किया है और उनका जो नावल का मंजरनामा है मुझे ज़्यादा वाज़ह और साफ नज़र आया। कुछ मजीद वक्त होता तो जल्दी ज़्यादा गहराई में जाने की गुंजाइश उसमें थी।
और फिर ये गजल का जो मंदरनामा है 1980 के बाद का, आपने मामा जदीद गजल व शायरों के हवाले से मोहतरमा यास्मीन साहिबा ने अपना मकाला पेश किया। लगातार मुसलसल अदब का मुताला करने वाले जदीद रुझानात से जो लोग वाकिफ हैं उनके लिए मुमकिन है कि कुछ बातें उनके मुताले में बहुत सी बातें हो, लेकिन तलबा के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, तालिबात के लिए और माफ कीजिए का जो मुताला भी कम होता जाता है दूसरी मनसूबियात में तवज्जो देने की वजह से, दिलचस्पी लेने की वजह से, मैं समझता हूँ उनके लिए भी काफ़ी ऐसे मापा जदीद बुजुर्गों शायरों के नाम खासतौर पर कई से हम पूछे तो शायद वो बता ना पाएंगे। ऐसे बहुत से नाम उन्होंने उर्दू के पूरे में उन्होंने पेश किया है, पूरे उर्दू गजलों शायरों को हम बाबा जदीद गजलों शायरों को ले तो बहुत से नाम सामने आए और बहुत से अच्छा। एक बात ये भी है कि हमारे तलबा तालिबात को जदीद शायरों के या हर तहरीक से वाबस्ता शायरों के बहुत से अच्छा गजल के याद नहीं रहते, याद नहीं करते। हमें शुरू से यही आदत पड़ जाती है कि कैसा रख लेते हैं या साथ साथ सुन लेते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं छोटी जमातों से, तो मीर गाले मेहमान सब तो हमारे लिए बहुत आम मामूली चीजें होगी, लेकिन किसी जदीद गजल को शायद या फिर जो है जदीदियत से मुताल्लिक या बाबा जदीद गजल को शायद का नाम दीजिए, कैसा पेश कीजिए और उनके मौजूदात पर खासतौर पर रोशनी डालिए और उससे कोई मुताल्लिक कोई मिसाल दीजिए, पेश कीजिए, तो ये हमारे मुताले की कमी की वजह से हम ऐसा कर नहीं पाते। मोहतरमा ने मुझे खुशी की बात की है कि उन्होंने तारीखी और अस्तुरियासिल माबा जदीद गजल की जो इंफरादियत है उसकी मिसालें भी उन्होंने पेश की, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद जहाँ नकीब साहब रिसर्च स्कॉलर हैं और ये मौजू काफ़ी नया मौजू है और इस मौजू का दर्दार पहलू ये है कि उन्होंने अदब को तारीख से जोड़कर जो है अपनी बात कहने की कोशिश की है। जैसा कि हम जानते हैं तारीखी पस मंजर, सामाजिक पस मंजर, आधुनिक पस मंजर, जब हम किसी भी इलाकाई मौजू पर काम करते हैं या जो है किसी बड़े एक सिम से एक शख्सियत पर काम करते हैं, तो सारी चीजें इनके बगैर जो है आपके रिसर्च के द्वारा हमारे मुकाबले जो है मुकम्मल नहीं समझ सकते हैं, मुकम्मल नहीं होते। तो इस हवाले से गोविंद बेगहसास खास तौर पर उन्होंने जो अदब वाले का उन्होंने इस नौबियत से तारीख से उसको जोड़कर जो तजिया किया है उसको उन्होंने काफ़ी अच्छी रोशनी डाली है। कह सकते हैं कि फ्रेश एक नया मौजूद है, रिसर्च कर रहे जब ऐसे मौजूदात पर कोशिश करता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम जो है आयदा उसे बहुत सी तवक्कुल कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। मैं उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि रिजा तस्लीम साहिबा के मौजूद को लेकर जो है काफ़ी बातें हुई, एक आध सवाल भी हुआ, उसके बाद में गुफ्तगू भी हुई। इस मौजूद के पेश नजर कुछ पहलुओं पर कुछ बातों पर जो है गुफ्तगू होनी चाहिए जितनी भी हो सकती है, वो गुंजाइश जो है हमको इनके मकाले में ज्यादा थी, लिहाजा उस पर गुफ्तगू हुई। और खुशी इस बात की है कि रिसर्च स्कॉलर के मौजूद को लेकर हमारे काबिल और जो है जो अदब में अपना एक मकाम बना चुके हैं ऐसे असातिज़ा ने मुख्तलिफ सतहों पर जिन्होंने जबान और अदब के हवाले से बहुत काम किया है, बल्कि आप भी कर रहे हैं, उनके अंदर जो है एक तशवीश है उर्दू जबान और अदब को लेकर, अपने इलाके को लेकर और आलमी सतह पर उर्दू जबान के जो है तहफ़ के लिए उसके रोशन मुस्तकबिल के लिए जो कोशिशें करें, ऐसे लोगों के मुफीद मशवरे जो है रिसर्च स्कॉलर्स को बहुत ज़्यादा उनके लिए उनकी अहमियत होती है और इस्तेफादा कर सकते हैं। तो खुशी बात की है कि हमारे सईद साहब और हमारे शाहवदा साहब और अजीजुल्लाह बेग साहब सब जो है उस मिसाले से जुड़कर जो है उन्होंने अपने तरीन ख्याल से और अपने मशवरों से नवाजा, लेकिन आप जिन चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो मौजूद कराई गई है कुछ विकिपीडिया पर ज्यादा जो है आप तकिया ना करें या उसको ज्यादा जो मुस्तंद ना समझें, ये बहुत जरूरी है जो आगे चलकर आपके काम आएंगे। उसके बाद केरल, जैसा कि हम सब जानते हैं
हमारे इधर के रियासतों में, जुनून की रियासतों में महाराष्ट्र जो है किसी जमाने में, बल्कि आज भी बहुत आगे है उर्दू की, वहाँ तरक्की बहुत रोज उर्दू है और उर्दू मीडियम के तमाम तालिबात के साथ ही चला और वहाँ जो है उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात का रियासती सतह पर जो है बहुत शानदार जो है नंबरात मार्क्स हासिल करना और दर्जे पर आना, ये हमारे उर्दू भवन के अंदर जो एक एहसास कमतरी की लहर हमेशा दौड़ती रहती है, उस एहसास कमतरी को जो है खत्म करने की कोशिश महाराष्ट्र के उर्दू मीडियम के तलबा ने की है, हमारे हम सब के लिए उन्होंने एक बयान दिया है। तो कुछ ऐसी बहुत ही एक क्या कह सकते हैं तूफान की शक्ल जो है अख्तियार करती जा रही है, ये सूरत हाल केरला की है। तो उन्होंने दबाव के हवाले से भी, आदत के हवाले से भी हमारे डॉक्टर नकुलम साहब ने केरला के केरला में जो उर्दू की सूरत हाल को पेश किया और इन लोगों के खिदमात का उन्होंने एतराफ किया कि उन्होंने उर्दू जबान और अदब के लिए जो कोशिश की है। आज फिर हमारे बड़े से बड़े नावों निगारों ने भी बहुत कम होंगे या एकाध होंगे जिन्होंने 26 नावल लिखे हों, तो कैफियत के एतबार से हम चीजों को अहमियत देते हैं देते हैं, कमियत के एतबार से देते हैं, तो इन दोनों बातों को सामने रखा जाए तो जिसकी अदब में अहमियत है, तो 26 नावल का एक खातून नावल लिखा 26 नावल लिखना केरला जैसे इलाके में रहकर ये कोई मामूली बात नहीं थी, इस पर उन्होंने रोशनी डाली। तो अगर दो चार चार किसी नावल का उन्होंने नाम नहीं लिया, तकरीबन दो चार नावलों के नाम बता देते तो हमारी मालूम में जो है सदे इजाफा जो है हो सकता था। तो मैं नकुल साहब हूँ जो अक्सर जो है अपने रियासत और केरल में उर्दू के हवाले से मखाले पढ़ते हैं, अच्छे मखाले पेश करते हैं, मैं उन्हें भी उसका ख्याल रखते हुए उन्होंने अपना मखाला पेश किया मुझे भी मुबारकबाद दे रहा हूँ। मैं बहुत ही एक अच्छा ये इजलास शायद नजर में मैं इसको एक अच्छा इजलास समझता हूँ कि नौजवानों की नुमाइंदगी की हुई और तालिब इल्मों की नुमाइंदगी की हुई, असातिज़ा की नुमाइंदगी की हुई और कुछ सवाल भी किए गए और थोड़ी सी गुफ्तगु या बहस की भी गुंजाइश इसमें निकली। मैं फिर एक बार ऑडियंस का उन्होंने काफ़ी तवज्जो से जो तमाम मसाला जो सवाल फरमाए, सवाल करने से ये भी साबित होता है कि आप किस तरह जो है हम अंदर गोश होकर जो है मसाले जो है सुन रहे हैं, ये बहुत ही संजीदगी के साथ संजीदगी का मुजाहरा हो रहा है। ये कल से जो सिलसिला चल रहा है हर सेशन की कामयाबी का, तो ये सेशन भी जो है जुड़ गया है, उम्मीद है कि आइंदा भी जो है जो इजलास होंगे वो मजमूई तौर पर इस यादगार और शानदार सेमिनार की कामयाबी का जमीन जो है साबित होंगी। मैं फिर एक बार मोहतरम मंसूर सिराज साहब का आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने मुझे ये मौका इनाम करने वाला इजाजत चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी खुशखुशियों से सदारत के मुद्दे को उठाया, अपने सदारती कलमान बसीरत को सदारती कलमान और मालूम करता रहे हैं। मैं सब खुद आपका शुक्रिया डॉक्टर नकुलन, डॉक्टर सनाउल्ला, डॉक्टर यासमीन फतिमा, डॉक्टर हिजा जलील और मोहतरमा खदीजा तस्लीम ने आपकी खिदमत में ग्राम शुरू खलर के लिए आपकी खिदमत के लिए शुक्रगुजार अदा किया। इसके अलावा सामईन ने सदर कर्नाटक उर्दू अकेडमी अजीजुल्लाह नेक साहब, साबिर अयर, प्रोफेसर मोमिन सईद साहब साबिक सदर कर्नाटक, प्रोफेसर शर्मदा साहब, प्रोफेसर अनवरुद्दीन साहब, प्रोफेसर नेमतुल्ला साहब और प्रोफेसर दीगर प्रोफेसरान मुअज्जिज़ हाजरीन, प्रोफेसर फातिमा जहरा और जो दीगर हाजरीन हैं, आप सबके खिदमत में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।